मसीह में मेरे प्रिय श्रोताओं, हमारे भारत जैसे देश में कभी अपने घर के दरवाजे पर, सड़क के किनारे पर, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में हम भिखारी लोगों को देख सकते हैं। अपने अपने काम में व्यस्त होने के कारण कोई किसी की चिंता नहीं करता और किसी के बारे में सोचता नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये भीख देकर हम अपने रास्ते से चले जाते हैं। आज के समाचार में यरीको के अंधे भिखारी के बारे में हमने सुना है। उस अंधे व्यक्ति को देखकर शिष्य लोग यीशु से पूछते हैं कि किसके पाप के वजह से एक अंधा जन्मा, इसका और इसके माँ बाप का। संसार की ज्योति यीशु उस जन्मांध व्यक्ति को दृष्टिदान करते हुए समाज में प्रचलित अंधविश्वास एवं यहूदी विचारधारा और रूढ़ी परंपरा गलत है इसकी स्थापना करते हैं, क्योंकि यहूदी दर्शन के अनुसार शारीरिक बीमारियां पाप का फल समझा जाता है। अगर कोई रोगी है तो यह उसके या उसके माता पिता के पापों के कारण है, ऐसे वे विश्वास करते थे। लेकिन यहाँ यीशु उस जन्मांध व्यक्ति को दृष्टिदान देकर यह स्थापित करता है कि शरीर की विकलांगता पाप के कारण नहीं बल्कि ईश्वर की मर्जी से है और ईश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए है। हाँ मेरे प्रिय श्रोताओं, हम महसूस करने वाले सभी बीमारियां, दुख, संकट, परेशानियां इत्यादि अपने जीवन में ईश्वर की शक्ति, कृपा एवं ताकत को प्रकट करने वाला एक माध्यम है। अंधकार मिटाने वाले, प्रकाश देने वाले, दृष्टिदान करने वाले प्रभु ईसा मसीह हमारे जीवन में रंग लाता है, नयापन दिलाता है। हम भी कभी कभी हमारे जीवन में अंधे बनते हैं। जब हम ईश्वर ने हमें दिए गए अनुग्रहों तथा वरदानों को भूल जाते हैं अथवा नहीं पहचान सकते हैं तो हम भी उस अंधे व्यक्ति के समान है। जो यीशु से दूर है वह दृष्टि होते हुए भी अंधा है। यीशु ने बताया, मैं संसार की ज्योति हूँ और जो मुझ में विश्वास करते हैं वह कभी अंधकार में चलता नहीं, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। इसलिए आइए मेरे प्यारे श्रोताओं, गलत रास्ताओं में चलने वाले अपने भाई बहनों को सही रास्ता दिखाकर प्रकाश की ओर लाने के लिए हम कोशिश करें। ईश्वर से विमुख होना ही अंधता है यह समझकर ईश्वर के साथ अपने जीवन बिताने के लिए हम प्रयत्न करें। करुणामय ईश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।